10 मोस्ट पावरफुल रिलीजन इन द वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि निधि शर्मा यहाँ बैठ करके इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन करती है, जो कि उसे बहुत ही पसंद है करना। इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि इस्लाम जो है वो दुनिया में कौन से नंबर पर आता है इन द टर्म्स ऑफ फॉलोअरशिप एंड बेसिकली पावर। वैसे मुझे पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इतने सारे इस्लामिक नेशंस हैं, तो दुनिया भर में इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग बिलियंस की तादाद में हैं। बट आई लिटरली एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो रिलीजन है इस्लाम, ये नंबर वन पर हो सकता है। पूरी पूरी चांसेस मुझे तो लग रही है। आप अपने अनुमान कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और उम्मीद करती हूँ कि दुनिया के 10 सबसे बड़े धर्मों को एक्सप्लोर करने में आपको बेहद मज़ा आएगा और ये एनालिसिस वाला वीडियो हमें गौरवान्वित करेगा। बीइंग अ सनातनी आई जेन्युइनली लव इस्लाम, और हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सेक्युलरिज्म मौजूद है। हम सभी रिलीजन्स को ना देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपने हिसाब से धर्म को चुन सकते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो नॉन रिलीजियस होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में भी, दे आर ऑल्सो सेक्युलर नेशंस। वहाँ पे लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं क्योंकि उन्हें इस्लाम के अंदर शांति दिखाई देती है, और लोग सनातन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें उस धर्म के अंदर पीस महसूस होता है। तो हर इंसान को अपना धर्म चुनने का हक है। पर एक छोटा सा पैगाम मैं आपको देना चाहूँगी कि जिस भी धर्म के अंदर आपका जन्म हुआ है, पहले उस धर्म को पढ़ें, फिर उसके बाद दुनिया के बाकी धर्म एक्सप्लोर करें। हो सकता है कि आप एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं और आपने जब इस्लाम को पढ़ा तो आपको पता लग गया कि ये सच्चा दीन है और मुझे कोई और रिलीजन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही है बॉयस। फिलहाल अल्लाह सुभान व तआला का नाम लेकर के इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। वर्तमान समय में दुनिया की कुल आबादी लगभग 8 अरब से भी ज्यादा की है, और एक अनुमान के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया के लगभग 80% लोग किसी न किसी धर्म को मानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस पृथ्वी पर आज मौजूदा समय में लगभग 4200 से भी ज्यादा अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग मौजूद हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि 8 अरब की इतनी बड़ी आबादी में वो 10 कौन से धर्म है जिसे लोग सबसे ज्यादा मानते हैं, मतलब किस धर्म के फॉलोअर सबसे ज्यादा है? और हम में से बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि उन 4200 धर्मों में से कौन से वो 10 धर्म है जिसकी आबादी आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप, और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेटर। तो दोस्तों, आपकी इतनी ज्यादा डिमांड पर आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि दुनिया में किस धर्म की आबादी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि 10 सबसे बड़े धर्म का दुनिया की टोटल आबादी में से कितने प्रतिशत पर कब्जा है। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, यानी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस धर्म के फॉलोअर हैं। और हमारा फॉलोअर कहने का संदर्भ ये नहीं कि आपका किस धर्म में जन्म हुआ है। हमारा फॉलोअर कहने का मतलब आप हिंदू होते हुए भी और किस किस धर्म के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और उसे अच्छे से मनाते हैं। जैसे कई हिंदू फैमिली सिख न होते हुए भी मेरी तरह गुरुद्वारा जाना पसंद करती है, इसी तरह हमें ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किसके फॉलोअर हैं। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, जैनिज्म। दुनिया के सबसे बड़े धर्म के मामले में इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है जैन धर्म, क्योंकि अगर पूरे विश्व में इनकी आबादी की बात करें तो वो लगभग 42 लाख से भी ज्यादा की है। वैसे आपको बता दें कि इस धर्म की सबसे ज्यादा आबादी भारत में ही रहती है, क्योंकि इस धर्म का उदय भी सबसे पहले भारत में ही हुआ था। हालांकि आगे चलते हुए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैन धर्म के फॉलोअर 2 तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें श्वेतांबर जैन कहा जाता है, और दूसरे वो जिन्हें दिगंबर जैन कहा जाता है। और जो ये नहीं जानते कि ये दोनों में अंतर क्या है, उन्हें बता देगी। दरअसल श्वेतांबर जैन जो होते हैं वो अपने शरीर को ढकने के लिए एकदम पतले से सफेद कपड़े का उपयोग करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिगंबर जैन दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं और पूरे जीवन भर निवस्त्र रहते हैं। नंबर 9, जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म। वैसे तो कई लोगों का मानना है कि यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है, जो कि लगभग 4000 साल पुराना है। और आज के समय में ये बात तो हम सब जानते हैं कि ये धर्म वर्तमान समय में इसराइल का राज धर्म है। और इस धर्म के बारे में कई इतिहासकारों का मानना है कि यहूदी धर्म से ईसाई और इस्लाम धर्म का भी उदय हुआ है। हालांकि ये पूरी तरीके से सच है कि भारत में इस धर्म के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया में यहूदियों की संख्या लगभग 1.4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की है, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 0.20% होता है।
नंबर 8 सिखिज्म। हमारे हिसाब से आज के समय में ये बात तो सभी लोग जानते होंगे कि सिख धर्म की शुरुआत सिखों के धर्म गुरु गुरु नानक देव ने की थी और दुनिया के 8वें सबसे बड़े धर्म यानी सिख धर्म की भी शुरुआत भारत से ही हुई थी और आज भी मौजूदा समय में इस धर्म के ज्यादातर लोग भारत में ही रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी पूरी तरह सच है कि सिख धर्म की बहुत बड़ी आबादी विश्व कई देशों में देखने को मिलती है। हालांकि सिख धर्म के लोग भारत में तो हर राज्य में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अपनी रंग बिरंगी संस्कृति के लिए मशहूर सिखों की दुनिया भर में आबादी लगभग 2.3 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 0.30% होता है। नंबर 7 अफ्रीकन ट्रेडिशनल। दोस्तों अफ्रीका में मल्टी डायमेंशनल धर्मों का एक समूह है जिसे हम अफ्रीकी पारंपरिक धर्म के नाम से जानते हैं। इस समूह में अलग अलग जातियां शामिल हैं जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में निवास करती हैं। वैसे दुनिया भर में इस समुदाय के लोगों की आबादी कम नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में इस समुदाय के लोगों की आबादी लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का 5.60% होता है। यानी अफ्रीकी समुदाय के लोग दुनिया भर में लगभग 6% है। इसी तरह इस सूची में नंबर 6 पर जगह बनाई बुद्धिज्म ने यानी बौद्ध धर्म में। वैसे तो आज के मौजूदा दौर में ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जिनके बारे में कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ईसाई और इस्लाम धर्म से भी पहले हुई थी। वैसे आपको बता दें कि इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग भारत के साथ साथ चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे कंट्रीज में रहते हैं, जिस वजह से आज के मौजूदा समय में पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 37.6 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, जो कि पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का 5.25% हिस्सा है। हालांकि आगे चलते हुए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुप्त काल में ये धर्म यूनान, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में फैल गया था। लेकिन दुखी बात यह है कि ईसाई और इस्लाम धर्म के उदय के साथ ही इन इलाकों से आज के मौजूदा समय में इस धर्म का वर्चस्व भी समाप्त हो गया, जिसके कारण अब इन देशों में आपको ये धर्म बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगा। नंबर 5 चाइनीज ट्रेडिशनल रिलीजन। वैसे इसका नाम सुनकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये धर्म हमारे पड़ोसी देश चीन का धर्म है। वैसे आधिकारिक तौर पर चीन को एक नास्तिक देश के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म की परंपरा ने लगभग 2000 सालों तक चीनी सभ्यता पर राज किया है और माना जाता है कि चाइनीज ट्रेडिशनल रिलीजन बौद्ध धर्म का एक शाखा है, जिस वजह से आज वर्तमान समय में इनकी आबादी भी 39.4 करोड़ की है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 5.5% है। नंबर 4 हिंदू। ये धर्म दुनिया का एक ऐसा धर्म है जिसे आज विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र धर्म माना जाता है, क्योंकि इसे दूसरी भाषा में वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले की है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कहते, दरअसल इस बात की पुष्टि अमेरिका, इसराइल और कई बड़े देशों के शोधकर्ता और इतिहासकारों ने कही है। हालांकि आज के मौजूदा समय में इस बात से तो हम सब वाकिफ है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू भारत देश में ही मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि ये धर्म इसके अलावा नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम और फिजी जैसे देशों में भी इस धर्म के लोग काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बारे में हमने पहली वीडियो बना रखी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि विश्व में वो कौन से 10 देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, तो आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। फिलहाल इस समय पूरे विश्व में हिंदुओं की आबादी 1 अरब है, जिस वजह से आज पूरी दुनिया की आबादी में हिंदुओं का लगभग 15.16% का हिस्सा है। मतलब दुनिया की कुल आबादी में से 15% से ज्यादा आबादी सिर्फ हिंदुओं की है। हालांकि आगे चलते हुए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व के अन्य देशों में जहाँ कहीं भी हिंदू है, उनमें से ज्यादातर का संबंध कहीं ना कहीं भारत से ही है। यानी ये बात दुनिया का हर कोई शोधकर्ता कहता है कि अगर दुनिया में कोई भी हिंदू है तो उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी भारत से जरूर लेना देना था। खैर अब वक्त है नंबर 3 के बारे में जानने का। नंबर 3 एथिस्ट। जो लोग ये नहीं जानते कि एथिस्ट किसे कहते हैं, उन्हें बता दे कि एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो अपने आप को सिर्फ मानसिक तौर पे नहीं बल्कि सर्टिफिकेट पे भी वो अपने आप को नॉन रिलीजियस लिखते हैं। हालांकि एथिस्ट की पॉपुलेशन हमारे भारत में तो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां लगातार एथिस्ट लोगों का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मौजूदा समय में पूरी दुनिया में लगभग 1.1 अरब से भी ज्यादा की आबादी ऐसी है
जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है और पूरी दुनिया उन्हें ही नास्तिक कहती है, यानी उनके डॉक्यूमेंट पे आपको नॉन रिलीजन लिखा हुआ दिख जाएगा। हालांकि ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में इनकी बढ़ती हुई अधिकता को देखकर इन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज नास्तिकों की आबादी यानी एथिस्ट की आबादी पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 15.58% है, जो कि बहुत ही शॉकिंग रिकॉर्ड है। नंबर दो, इस्लाम। आज के मौजूदा समय में इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और फिलहाल मौजूदा समय में इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर लोग इंडोनेशिया में रहते हैं, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बता रखा है। यानी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि दुनिया के वो 10 कौन से देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन जल्दी भारत इस मामले में इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ने वाला है, यानी भारत मुस्लिम पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश बनने वाला है। वैसे आपको बता दें कि इस समय पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 1.6 अरब से ज्यादा है, जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का कुल 23% होता है। इसी तरह आगे चलते हुए अब वक्त है नंबर एक के बारे में जानने का, यानी ये जानने का कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा धर्म आबादी के मामले में कौन सा है। नंबर एक, क्रिश्चियन। दोस्तों ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिसके संस्थापक जीसस क्राइस्ट थे। दरअसल आज मौजूदा समय में पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग 2.2 अरब लोगों के करीब है। मतलब आपको बता दें कि ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 31.5% हिस्सा है। हालांकि दूसरी तरफ ये बात भी पूरी तरह सच है कि आज मौजूदा समय में ईसाई धर्म के लोग दुनिया के लगभग हर देशों में रहते हैं, लेकिन ईसाइयों की सबसे ज्यादा आबादी अमेरिका में पाई जाती है। ये बात तो हमें से सभी लोग जानते होंगे कि ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल है, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि इसमें लिखा क्या है। दरअसल बाइबल जो कि ईसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ है, उस किताब में ईसा मसीह के जीवन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ईसा मसीह ने यानी जीसस क्राइस्ट ने 13 से 29 साल के बीच में अपने जीवन काल में क्या किया, इसके बारे में बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और कई लोग ये मानते हैं और कहते भी हैं कि बाइबल में उनके ये वर्ष आज भी रहस्य बने हुए हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर यानी शोध करता का ये दावा है कि 13 से 29 साल के बीच ईसा मसीह भारत में रहते थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद होता है। बट वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले मैं एक सजेशन मेरा सबके लिए कि जो भी जिस धर्म से है ना, उसको अपने धर्म की किताबें सबसे पहले पढ़नी चाहिए, ताकि वो अपने अगर वो अपने धर्म में शांति ढूंढ पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उसमें उसको ढूंढना चाहिए। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो धर्म परिवर्तन करते हैं, जो अलग अलग कास्ट से अलग अलग मतलब अलग अलग धर्म से चेंज हो जाते हैं, वैसा भी होता है। एंड इसके अलावा जो हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम एकता है उसको भी बनाए रखना चाहिए। मीडिया को दरकिनार करते हुए अगर देखा जाए तो ये सच्चाई है कि हाँ एकता है। जो नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोग हैं उनके अंदर काफ़ी एकता है, हेट फैलाने वाले लोग भी हैं, बट नॉर्मली ये चीज़ें हैं। एंड ये सच है कि अभी इंडिया में अभी भी जो इस्लाम आम जो मुसलमान हैं वो एक माइनॉरिटीज़ हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं, उनका रिस्पेक्ट नहीं है, बहुत है। एंड बाय द वे मैं खुद हिंदू हूँ, तो 4th पायदान पे हमारा हिंदुइज्म आता है। तो भारत एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ की सभी कास्ट के लोग रहते हैं, एंड मोस्टली जो अभी का इस्लाम भी उसी पायदान पे आएगा। तो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई, ये वाला जो वर्ड है ना ये हमेशा से बन के रहना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। एंड जिस दिन से सब लोग ये समझ गए ना, मीडिया से लेके पॉलिटिशियन सब लोग ये चीज़ समझ गए, तो हमारी कंट्री जो है ना वो ऐसे पावर के रूप में ऊपर उभर के आएगी कि इसको झुकाना, इसको तोड़ना, रोकना किसी के हाथ में। ये थी वीडियो भाई साहब, वो भारत में रहते थे ना, नंबर फर्स्ट पे। तो मेरे को बिल्कुल भी आईडिया नहीं, मैंने सोचा था कि हाँ मैंने सोचा था कि थर्ड पे हो सकता है क्रिश्चियन रिलीजन, और सेकंड पे हो सकता है हिंदू, और फर्स्ट पे इस्लाम हो सकता है, क्योंकि इस्लाम बाकी कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा फैला है। हमारे नियर अबाउट हम देखें दुबई, सऊदी अरब, पाकिस्तान और भी बहुत सी कंट्रीज, तो बाकी क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है दुनिया में ना, इंडिया में तो है। पर देखिए मैं एक चीज इस वीडियो को देखने के बाद कहना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि इस्लाम की जो मान्यता रखने वाले जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं वो इंडिया में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा बिल्कुल भी होगा, क्योंकि फिलहाल जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में वो माइनॉरिटी के अंदर है। बाकी धर्मों के फॉलोअर्स के कंपैरिजन में मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो कम है। मैं आपको ना गूगल पे चेक करके बता देती हूँ। ये एक एजेंडा रहता है हमारी गवर्नमेंट का
कि ये चीज़ स्प्रेड करें कि ओ माय गॉड इस्लामिक पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू बूस्ट इन दिस इंडिया और पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यार. और है तो भी बहुत बढ़िया है, अगर इस्लाम के फॉलोअर्स बढ़े तो बहुत अच्छी बात है. पर ये कहना कि इंडिया में जो इस्लामिक आबादी है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी और बाकी देशों से ज़्यादा इधर फॉलोअर्स हो जाएंगे, यार एक बार सोच के देखो इतने रिच इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इस दुनिया के अंदर. मैं किस किस देश का नाम लूँ, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया एंड वट नॉट. देखिए गूगल पे मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो दिखा रहा है 19 crore 50 lakhs. ओके, और इंडियन पॉपुलेशन इन टोटल दिखा रहा है 1.4 billion 2022. खैर अभी ख़त्म होने वाला है एक दो दिन के बाद, पर मैं अभी का एनालिसिस आपको बता रही हूँ. तो सच्चाई यही है कि मुसलमान जो है इस देश के अंदर माइनॉरिटी में है और हमारे सबसे करीबी भाई हैं वो लोग. हिंदू मुस्लिम एकता जो है ना हमेशा दृढ़ रहनी चाहिए, हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए हिंदू और मुस्लिम. और मैं सच बता रही हूँ, अगर हम सब लिटरली सेक्युलर लोगों की तरह एकजुट होकर के रहे ना पूरे टाइम, मीडिया को मत देखो फालतू बकवास करते हैं, तो हम ऐसी हाइट्स पर पहुँच सकते हैं ना कि इंडिया को कोई पछाड़ नहीं सकता दुनिया में. तो उम्मीद है ये वीडियो आपको देख करके अच्छा लगा होगा, आपने अपना रिलीजन भी कॉमेंट सेक्शन में मैंशन किया होगा. एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट दिस वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग. आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी. मैं आपको ऐसे ही बेहतरीन अतरंगी वीडियोस के साथ रोजाना मिलती रहूंगी. दिस इज निधि, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.